everyone, welcome back to my channel, Make Cooking Easy with Aradhya. तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी और डिलिशियस वेजिटेबल पराठा की रेसिपी. और ये रेसिपी इसलिए यूनिक है क्योंकि हमने इसे बनाया है एक लिक्विड बैटर के संग. तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग एक बोल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे एक कप आटा. तो एक कप आटा से लगभग 5 से 6 पराठे बनते हैं. तो आप चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, बस मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा. फिर हम इस आटे में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा कर. तो आप अपने अनुसार से पानी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले एक कप पानी ले रहे हैं तो इसे लगभग 3 हिस्सों में डिवाइड करके डालेगा थोड़ा थोड़ा कर. और इसका अच्छा से एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बना लीजिएगा. ये एक रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, केक बैटर से भी पतली. और आप ऐसे मिक्स करिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना बचे. तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है और इसमें मैंने 1 और आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है. अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए रेस्ट के साइड में रख देंगे. तो इस 5 मिनट में हम अपनी सब्जियों को सौते कर लेंगे. तो उसके लिए एक पैन में हम लोग ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल. यहाँ पे मैं रिफाइंड तेल यूज़ कर रही हूँ, सरसों का तेल नहीं यूज़ कर रही. फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच सरसों के बीज या फिर राई के दाने. और जैसे वो चटकने लगे हम उसमें डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते. तो मैं फ्रेश कड़ी पत्तों का यूज़ कर रही हूँ. ड्राई कड़ी पत्तों से उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, लेकिन फ्रेश से आता है. तो आप भी फ्रेश यूज़ करने की कोशिश करिएगा. तो कड़ी पत्ते क्योंकि होते हैं थोड़े बड़े, तो मैं इसको सिज़र्स की हेल्प से चॉप करके डाल रही हूँ इसमें. और ध्यान रखिएगा तेल इस समय उछलता है थोड़ा. और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे हम लोग लगभग 30 सेकेंड के लिए. उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चॉप किया हुआ प्याज. ये मीडियम साइज का प्याज है और आप थोड़ा थोड़ा छोटा चॉप करने की कोशिश करिएगा. फिर इस प्याज को भी सौते कर लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन हट जाए. फिर हम इसमें डाल देंगे 1 या फिर 2 चॉप की हुई हरी मिर्च. आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च डालिएगा कि आपको ज़्यादा तीखा चाहिए कि कम तीखा. उसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे उसी में मिलाकर. और फिर यहाँ पर मैं डाल दूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पे डालना ज़रूरी नहीं होता है, मैंने यहाँ पे डाल दिया था. आज जब हम इसमें आगे टमाटर डालेंगे ना उसके बाद भी डाल सकते हैं, उस टाइम ही ज़्यादा चटकेगा नहीं. तो मैं प्रेफर करती हूँ टमाटर के बाद डालने का, क्योंकि मैंने आज पहले डाल दिया था तो थोड़ा सा वो उछल रहा था ज़्यादा. तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चॉप किया हुआ टमाटर. इसे भी आप छोटा छोटा चॉप करने की कोशिश करिएगा. और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक. ये थोड़ा सा डाल दीजिएगा, भले ही आपने बैटर में नमक डाला हुआ है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाल दीजिएगा. तो ये बनकर तैयार हैं. हम इसे लगभग 30 सेकेंड के और सौते करेंगे, फिर इसकी फ्लेम को ऑफ कर लेंगे. तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है. तो एक बार हम इसे विस्कर की हेल्प से विक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे कि वो गाढ़ी तो नहीं हुई है. कंसिस्टेंसी एकदम सही है. तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने सौते किए हुए वेजिटेबल्स. आप और कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं जैसे कि बीन्स या वो सब, लेकिन पराठा थोड़ा सा ओवरफिल हो जाता है इसलिए मैं इसमें वो सब नहीं डाली हूँ, बस प्याज और टमाटर ही रख रही हूँ. अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स. आप फ्रेश कोरिएंडर लीव्स धनिया पत्ता का यूज़ करने की कोशिश करिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. तो उसे डालकर हम इस बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो हमारा बैटर है तैयार एकदम कुक होने के लिए. तो हम इसे एक अच्छे से फाइनल विस्क दे देंगे और इसे कुक कर लेंगे. तो कुक करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉन स्टिक तवा और उसे मैं रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ थोड़ा सा. और जब तेल हल्का मतलब तवा गर्म हो जाए और आपने उसे ग्रीस कर लिया, तब हम इसमें लगभग 1 कलछी या 1 लैडल भर के हम अपना बैटर इस पर डाल देंगे और हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे. वेजिटेबल्स होती है इसमें तो वो अच्छे से स्प्रेड तो नहीं हो पाता, हो जाता है हल्का सा.
इसको आपको बिल्कुल पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक रहेगा ये। और फिर कुक करने के जब तक इसका टॉप लगभग ड्राई नहीं हो जाता, फिर टॉप पे थोड़ा सा तेल आप थोड़ा सा डाल सकते हैं और उसके बाद उसे फ्लिप करके कुक कर लेंगे। मेरा थोड़ा साइड में हो गया था, मैंने उसे बीच में कर लिया है। और कुक करेंगे लगभग एक मिनट के लिए, फिर उसे दोबारा फ्लिप कर लेंगे चेक करने के लिए। और दोबारा फ्लिप कर कर आप इसे हटा सकते हैं अपनी तवा से। और लीजिए, बन कर तैयार है हमारे बेहद ही इजी, डिलिशियस और एकदम हेल्दी वेजिटेबल पराठा। और इसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, बस सब्जियों को चॉप करना होता है। सो आई होप आपको रेसिपी पसंद आए। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे अपना ऐसी प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।